नमस्कार दोस्तों, आप सभी का खेती बाड़ी जुगाड़ इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा यूनिक टेक्निक जो कि है वन टाइम सेटअप और लाइफ टाइम प्रोडक्शन। मतलब जब तक सीज़न चलेगा तब तक प्लांट आपको प्रोडक्शन देता रहेगा, फ्रूट्स देता रहेगा, और आपको उसमें ना फर्टिलाइज़र ऐड करना है ना पानी या वाटर फिर से ऐड करना है। तो इसको बोलते हैं ग्रोइंग इन बैरल्स मेथड। ये डॉक्टर राटकी जी ने बताया हुआ है। तो इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको डीप वाटर कल्चर भी बोलते हैं। तो आप एक देख सकते हैं, मेरा 150 लीटर का बैरल है। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन ए जो हम इसमें यूज़ करने वाले, और ये है न्यूट्रिशन बी। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसका लगभग 4 ml पर लीटर या 5 ml पर लीटर के हिसाब से हम ऐड करेंगे इसमें दोनों का, तो जो कि लगभग बनता है 700 ml आउट ऑफ, मतलब इसमें से 700 ml, इसमें 700 ml, क्योंकि ये 150 लीटर का बैरल है इसलिए। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिशन हम पहले से ऐड करेंगे, तो इसका 900 TDS होगा। ये दोनों जब हम इसके अंदर डालेंगे तो उसका 900 TDS होगा। अभी हम चेक करते हैं बैरल का कितना TDS है। ये वाटर है अपना, आप देख सकते हैं इसका 500 TDS चल रहा है, क्योंकि मैं कोई RO का वाटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सीधा जो भी है अपना बोरवेल का सीधा टैप वाटर जो रहता है वही यूज़ करता हूँ, इसलिए अलग से प्लांट वगैरह कुछ नहीं है मेरा RO वगैरह। और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, आप ये दिखाया है ये मैंने आपको, वो बाद में दिखाऊंगा आपको। तो ठीक है, अभी मैं इसके अंदर वो न्यूट्रिशन डाल देता हूँ। मैंने अभी इसके अंदर न्यूट्रिशन डाल दिया है, तो अभी हम इसका TDS चेक करते हैं। तो ये रहा TDS मीटर जो अभी 0 पे है। आप पे देख सकते हैं TDS हो गया 1040 जो कि हमारा रिक्वायर्ड TDS है अभी। तो अभी मैं प्लांट्स इसके अंदर सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी हूँ ये रहे वो दो प्लांट ककड़ी के जो मैं अभी इसके अंदर ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। इसका मैं थोड़ा रूट्स जो है नीचे से थोड़ा सा प्रून कर दूँगा, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रूट रोट लगने लगा है। एक्चुअली ये है तो अच्छे कंडीशन में वाइट रूट्स हैं, फिर मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगा अभी रूट्स का, क्योंकि ये बहुत बड़ी रूट है। देखना इसकी इतना नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा सा इसका प्रून करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़े नीचे के जो रूट्स है वो प्रून कर दिए, और अब मैं इस प्लांट्स को इसके बैरल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कुकुम्बर के प्लांट्स को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया है, और मैं इसका जो प्रोग्रेस है वो आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ फिर से शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना भी मत भूलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपने यूट्यूब चैनल में 100 से भी ज़्यादा अभी वीडियोज़ हो चुके हैं और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो अभी मेरा टारगेट है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तो होनी चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ऐसे वीडियो बना पाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।